विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज आपने प्रधानमंत्री जी का संदेश भी सुना। देश को विकसित बनाने के लिए हमारा क्या दायित्व है, इसके लिए संकल्प भी लिया। विकसित भारत यात्रा का उद्देश्य क्या है? मेरी कहानी मेरी जवानी के माध्यम से लाभार्थियों के मुख से उनकी सर्वोत्तम कहानी को भी सुना और जो लोग अब लाभान्वित हो गए हैं उनके सर्टिफिकेट यहां पर वितरण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। अपने आप में अभिनव प्रयास, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप बिना भेदभाव के हर गरीब का कल्याण करना उस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ रही है। आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। बहनों भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे भारत में आज रह रहे हैं जो नित्य नए प्रतिमान स्थापित करते हुए दुनिया के अंदर हम 140 करोड़ भारतवासियों का सिर गौरव के साथ ऊंचा उठाने का काम कर रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, आज देश के अंदर दुनिया का सबसे अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है वो हम सबको हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, इंडियन वाटर वे के रूप में जहां देखने को मिला है, वही एम्स, आईआईटी, आईआईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, फर्टिलाइजर जैसे कारखाने के आज फिर से एक नए रूप में हम सबके सामने है। गांव गांव की कनेक्टिविटी के साथ साथ हर गांव में बिजली, हर घर में बिजली और हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए लोगों को जल की आपूर्ति करने का कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कैसे आमूलचूल परिवर्तन पूरे देश के अंदर लाने का कार्य किया जा रहा है, ये हरेक स्तर पर देखा जा सकता है। आपने लोगों के मुंह से सुना, किसी को आवास मिला, कोई कहते कि किसान के राशन की सुविधा का लाभ मिला, कोई कहता था कि मुझे उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर मिला, कोई कहता था कि घर में बिजली आई, कोई कहता था साहब कोरोना के कारण हमारा व्यवसाय चौपट हो चुका था, हमें बैंक ने ब्याज मुक्त ऋण लेकर के फिर से हमें आर्थिक रूप से स्वावलंबन की अवसर अवसर करते हुए एक सुनी योजना के साथ जोड़ा। यानी ढेर सारी योजनाएं हर तबके के लिए उस प्रकार की योजना, ये नया भारत है और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर नागरिक के योजनाओं से लाभान्वित हुआ। इन्हीं योजनाओं को लेकर के इसका प्रचार प्रसार करने के 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की थी और विकसित भारत संकल्प यात्रा आज अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए गांव गांव जाकर के जिन्हें योजना का लाभ मिला और योजना के बारे में बोलेंगे, जिन्हें नहीं मिला उनका रजिस्ट्रेशन होगा, जो प्रदर्शन कर रहे उसमें उनका लाभ लिया जाएगा, जो फिर भी रुक जाएंगे उनका लाभ पहुंच करके रहेगा और यही मोदी गारंटी है। मोदी जी यही गारंटी देने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को आगे बढ़ाया। आज आप गोरखपुर में देखते हो झंडा टोला, इसके आसपास के लोगों के लिए एयरपोर्ट नजदीक बन चुका है।
सप्ताह के पहले गोरखपुर में एक भाई था जिनको कभी कभी याद है। आज गोरखपुर में 14 भाई थे 14। पहले आपको झरना डोला के पास भी रेलवे क्रॉसिंग में जाम में फंसना होता था और पूरा घर में फंसना होता था, नंदा नगर में फंसना होता था। आज इस समस्या का समाधान हो गया। पहले उपचार के लिए देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।